सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मी 11 के सारे ऑफिशियल स्पेक्स बताऊंगा। ये स्मार्टफोन कैसा दिखता है, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, क्या स्पेक्स होंगे, कब लॉन्च होगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सब कुछ मालूम चल चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों मैं मी 11 प्रो के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता चुका हूँ। प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, सब कुछ बताया हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आपको मी 11 के स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.10 इंच का QHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये QHD प्लस जो डिस्प्ले है ना, ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में दोस्तों स्विच हो जाएगा जब स्मार्टफोन को पावर सेव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है ना, ये मी 11 में भी है, मी 11 प्रो में भी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। तो स्मार्टफोन का स्क्रीन काफी दोस्तों अच्छा है, यहाँ पर AMOLED स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो काफी स्मूथनेस आपको दोस्तों फील होता रहेगा, रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा है ना इसी वजह से। और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी दोस्तों चारों तरफ से कर्व्ड रहेगा, यहाँ पर दोस्तों साइड से तो दोस्तों कर्व्ड रहते ही हैं, यहाँ पर फ्लैगशिप जो स्मार्टफोन्स होते हैं, अब दोस्तों जो मी 11 है ये ऊपर और नीचे से भी कर्व्ड रहेगा, तो देखने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। और स्मार्टफोन का डिजाइन काफी यूनिक है, इस बार कुछ नया हटके ट्राई किया गया है, तो देखने में स्मार्टफोन काफी दोस्तों अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से कर्व्ड रहेगा ना, कर्व्ड स्मार्टफोन देखने में चारों तरफ से बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा। 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छा बात है। फिर 13 मेगापिक्सल, फिर 5 मेगापिक्सल। अगर सेल्फी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ, जो काफी छोटा होगा, बहुत ही छोटा होने वाला है इस बार पंच होल डिस्प्ले, तो स्मार्टफोन देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़े और स्पेक्स बताता हूँ। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट होगा, LPDDR5 रैम टाइप भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्मार्टफोन काफी फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो स्मार्टफोन दोस्तों काफी अच्छे यहाँ पर दोस्तों सेंसर के साथ भी आ जाता है। और IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फोटोज के थ्रू हम लोगों को मालूम चला कि IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 888, जो दोस्तों 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और Adreno 660 के GPU के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे को कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है। चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर लो, चाहे फोटोग्राफी कर लो, जो भी करना करो, स्मार्टफोन काफी फास्ट चलेगा, आपके सारे चीजों को अच्छे से हैंडल करेगा, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, बहुत ही ज्यादा, शब्द कम पड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगा, स्मार्टफोन एकदम फास्ट चलेगा, बहुत तेज चलेगा स्मार्टफोन। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको 45,183 रुपए का लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, अभी तक तो यही प्राइस लीक हुआ है। और दोस्तों ये बेस वेरिएंट का प्राइस है 8+128GB। अगर अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो मी 11 सीरीज आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में चाइना में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मी 11 सीरीज इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। तो देखो यार, इसको लेकर अभी कोई भी न्यूज, इन्फॉर्मेशन, लीक्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये आपको दोस्तों मार्च, अप्रैल या फिर दोस्तों अप्रैल के एंड तक इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा, ऐसा मेरे को लगता है। जल्दी भी हो सकता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों बस यही कुछ स्पेक्स थे मी 11 के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक करो, चैनल पे अगर नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप दोनों में से कौन से स्मार्टफोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, मी 11 या फिर दोस्तों मी 11 प्रो। मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।